केंद्र की बीजेपी सरकार को कर्नाटक जिला सत्र अदालत ने झटका दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले राज्य में नागरिकता संशोधन कानून CAA पर स्कूली बच्चों द्वारा नाटक पेश किया गया था। वहीं इसके बाद राज्य की बीजेपी सरकार ने इस नाटक से संबंधित कुल 5 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया। घटना साइन प्राथमिकी विद्यालय की है, जहां CAA पर नाटक के मामले में बच्चों समेत 5 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। वहीं अब राज्य के बीदर में जिला सत्र अदालत ने इन लोगों को अग्रिम जमानत दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टता में राजद्रोह को लेकर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। कोर्ट ने यह कहते हुए प्रतिनिधियों को अग्रिम जमानत दी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ स्कूल के बच्चों द्वारा किया गया नाटक समाज में किसी भी तरह का असमंजस्य पैदा नहीं करता। कर्नाटका के सेशन कोर्ट ने 3 मार्च को इन लोगों को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा इस मामले में प्रथम दृष्टता में IPC की धारा 124 से राजद्रोह का केस बनता नहीं दिख रहा है। वहीं जिला जज मंगोली प्रेमवर्ती ने कहा कि इस नाटक में बच्चों ने जो व्यक्त किया है वह यह है कि अगर वे दस्तावेज नहीं दिखाते हैं तो उन्हें देश छोड़ना होगा। इसके अलावा इस नाटक में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए। जिन लोगों को जमानत दी गई है उनमें शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 60 वर्षीय अध्यक्ष अब्दुल कादिर और 40 वर्षीय हेडमास्टर अलाउद्दीन है। इसके अलावा स्कूल की प्रबंधन समिति के 3 सदस्यों को 2-2 लाख रुपए की निजी बॉन्ड के साथ जमानत दी गई है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को राज्य में बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता नीलेश रक्षित्याल ने CAA पर नाटक करने वालों के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों पर राजद्रोह मामले में केस दर्ज कर लिया था। वहीं अब 2 दिन पहले मंगलवार को कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में विरोध देखा गया, अभी भी कुछ स्थानों पर विरोध देखा जा सकता है। दिल्ली के शाहीनबाग में 15 दिसंबर से अभी तक नागरिकता कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का विरोध देखा जा सकता है। नागरिकता संशोधन कानून में 2014 के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। धर्म के आधार पर नागरिकता देने का यह कानून अब विवादों के घेरे में बना हुआ है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।